लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों का दिमाग हिल चुका है, या कहें तो दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। ये बात आरजेडी के नेता आखिर बार बार प्रूव कर ही देते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक बार फिर आरजेडी विधायक ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। जी हाँ, माफिया से नेता बनी दानापुर से रीतलाल यादव का कहना है कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखी गई थी। रीतलाल यादव के बयान से बिहार में आरजेडी की सहयोगी, यूं कहें तो घनिष्ठ मित्र जेडीयू ने खुद को अलग कर लिया है और पल्ला झाड़ दिया। वहीं बीजेपी ने यादव के बयान को लेकर उन पर हमला बोला और कहा कि वे लालू यादव के चरवाहा स्कूल के प्रोडक्ट हैं। यादव के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वे हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को लेकर भाजपा और आरएसएस पर सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं। इसी वक्त उन्होंने ये बेफिजूल की बात भी कह दी। हालांकि इसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी कड़ी आलोचना की जा रही है। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हिंदुत्व राष्ट्र एक दूसरे को लड़ाने के फेर में आप पड़े हुए हैं, कब तक चलेगा ऐसा? एक समय जब आया था तो आप याद कीजिए, राम मंदिर के लोग चर्चा करता है तो रामचरितमानस जो लिखा गया था आपको याद होगा कि एक मस्जिद में लिखा गया था। इतिहास उठा के देखिएगा, उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। मुगल साम्राज्य जब इतना दिन राज किया तो उस दिन हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। जब पूरे हिंदुस्तान में नहीं और ऑल ओवर कंट्री में जब मुसलमान की 11 साल की बेटी भागवत कथा की जब अपने आप में शील्ड जीतती है, टॉपर आती है, उस वक्त कहाँ थे लोग देखने वाले? उस वक्त कोई कहने वाले नहीं थे कि मुस्लिम की लड़की आज भागवत कथा का जो एक दूसरे के बीच में प्रचार किया और उसको अपने आप में जो ग्रहण किया है उससे भी बड़ा लोग है, उससे भी तो लोगों को सीख लेना चाहिए। जब हमारा देश खतरे में था गुलाम होता, उस वक्त मुसलमान भगा देना नहीं था हिंदू देश से, भगा देना चाहिए था। हम तो कहते हैं कि अगर जो आप सच्चा हिंदुत्व का सहभागी बनना चाहते हैं तो अपने पार्टी से जितना हिंदू मुस्लिम लोग हैं सबको निकाल दीजिए, भगाइए अपने पार्टी से। तीन तलाक कहा लाए थे? नहीं लाना चाहिए था आपको।